हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। साथियों मैं प्रवीण, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2022 के लिए करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। साथियों आपको बता दूं, इससे पहले हम 2 पार्ट कर चुके हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर इस क्लासों का पूरा देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 नंबर की करंट अफेयर्स आने वाली है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो करंट अफेयर्स का ये पार्ट। अगर इसमें आप 10 में से 10 ईजिली कर सकते हो, अगर हमारी क्लास देखते रहते हो। अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल हाई मोटिवेटेड, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दी है, तो वहां से इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हो। तो साथियों आज क्लास में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में मिंजर मेला का आयोजन किया गया है? ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो जो मिंजर मेला का जो आयोजन किया गया है, ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो मुख्यमंत्री वाल आशीर्वाद योजना लागू करने का जो निर्णय लिया है, ये मध्य प्रदेश ने लिया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त। तो प्रतिवर्ष जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है, ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गा दास राठौर की जो प्रतिमा का अनावरण किया, उज्जैन, जोधपुर, भोपाल, उदयपुर। तो ये वीर दुर्गादास राठौड़ की जो प्रतिमा का अनावरण किया, ये जोधपुर में किया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो मोक्ष धाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हाल ही में जो मोक्ष धाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या असम। तो ये अभी जो शुरू की गई है मोक्ष धाम योजना, तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में ओपन श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया। तो जो 44वां जो शतरंज ओलंपियाड 2022 में ओपन श्रेणी में जो देश शीर्ष पर रहा है, ये उज्बेकिस्तान रहा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जो महाशिवरात्रि पर्व को स्थानीय रूप से हैरात के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर। तो हैरात के रूप में जो जाना जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? बीजिंग, न्यूयॉर्क, दुबई, लंदन। तो ये दुबई में किया जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैन्य अभ्यास जो पश्चिमी लहर, निम्न में से किसके द्वारा आयोजित किया गया? भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय वायुसेना। जो पश्चिमी लहर है जो आयोजित किया गया है, ये भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा में रही जो गार्डा झील किस देश में स्थित है? चर्चा में रही जो गार्डा झील किस देश में स्थित है? स्वीडन, ईरान, इटली, स्पेन। तो ये इटली में स्थित है। तो ऑप्शन ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि जो 75वां संतोष ट्रॉफी खिताब के विजेता कौन है? विजेता उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। जो 75वीं जो संतोष ट्रॉफी के, यानी कि किसने जीती है? तो ये केरल ने जीती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा, यानी कि निम्न में से कौन सा 2021 के वैश्विक भूख सूचकांक में जो अंतिम स्थान पर रहा है? यानी कि भारत, मिस्र, सोमालिया या माली। तो ये सोमालिया रहा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? साइना नेहवाल, शरद कुमार, लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु। तो जो एक ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 में जो भारतीय ने रजत पदक जीता है, तो ये लक्ष्य सेन ने जीता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 खिताब का विजेता कौन है? उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 खिताब का जो विजेता है, तो ये केरल है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2022 खिताब का विजेता कौन है? हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या, यानी कि तो रणजी ट्रॉफी 2022 खिताब का जो विजेता है, ये मध्य प्रदेश है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश ने जीती है विजय रणजी ट्रॉफी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो जनवरी 2022 के अनुसार जो भारत में सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य है तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत के यानी कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? ब्रिटेन, अमेरिका, उज्बेकिस्तान, नेपाल। तो ये युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 अगस्त 2022 तक यानी कि 15 अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? 54, 65, 75 या 49। तो भारत में अभी जो कुल रामसर साइट हैं वो 75 है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक 2024 का जो आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई? ओलंपिक 2024 का जो आयोजन कहाँ किया जाएगा? जापान, फ्रांस, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो 2024 का जो ओलंपिक है ये फ्रांस में किया जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में गुरुराज पुजारी ने भारोत्तोलन में 61 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत या इनमें से कोई नहीं। तो 2022 में जो राष्ट्रीय मंडल खेल हुए थे उसमें 61 किलोग्राम वर्ग में जो कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा क्या घोषित किया गया है? जो पेरिस ओलंपिक 2024 जो फ्रांस में होगा उसका जो नारा क्या होगा? गेम्स वाइड ओपन, तेज, उच्च और मजबूत, अधिक समावेशी, अधिक भाई, अधिक सुंदर। तो आपको बता दूं तो इसका जो आधिकारिक नारा है जो गेम्स वाइड ओपन है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 2024 के ओलंपिक का जो आधिकारिक नारा है घोषित किया गया है गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में कब मनाया जाता है? यानी कि 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 अगस्त या 1 अगस्त। तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस है जो भारत में मनाया जाता है ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी कि लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पी चिदम्बरम, शशि थरूर, वेंकैया नायडू, नवीन पटनायक। लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक के जो लेखक हैं ये नवीन पटनायक हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास भारत में कितने देशों ने भाग लिया? जो पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? 11, 12, 15, 17। तो पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास में जो 17 देशों ने भाग लिया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी कि भारतीय वायुसेना ने किस वर्ष तक MiG-21 विमान को बहाल करने की घोषणा की है? 2025, 2024, 2023 या 2030। तो जो MiG-21 को जो भारतीय वायुसेना 2025 तक बहाल कर देगी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44वें शतरंज ओलंपियाड में जो महिला वर्ग के मुकाबले में किसने भारत को विजय दिलाई? जो यानी कि श्वेता सिंह, आर वैशाली, कोनेरू हम्पी या तानिया सचदेव। तो ये जो तानिया सचदेव ने महिला वर्ग के मुकाबले में जो भारत को विजय दिलाई है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? शिव सह सरोज यानी कि दलाई लामा, महेश राम मूर्ति, किरीट एस पारिक। तो जो लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान दिया गया ये दलाई लामा को दिया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिरोशिमा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या 9 अगस्त। जो हिरोशिमा दिवस है जो प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है तो ये 6 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी कि किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों के लिए चिराग योजना की शुरुआत की है? हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान। तो किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों के लिए चिराग योजना की जो शुरुआत की है, तो ये चिराग योजना की शुरुआत की है तो ये हरियाणा राज्य ने की है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हरियाणा राज्य ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किस राज्य की सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृति भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? तमिलनाडु, हरियाणा, असम, उत्तराखंड। तो किस राज्य की सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृति भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड ने किया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रही जो निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी, निशानेबाजी, कुश्ती, भाला फेंक। जो निखत जरीन का संबंध है ये मुक्केबाजी से है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ लिया था, यानी कि कौन सी बार लिया था उन्होंने शपथ? छठवीं बार, सातवीं बार, आठवीं बार, नौवीं बार। तो उन्होंने आठवीं बार ये शपथ लिया था बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की जो यानी किस देश की 23 बार की जो ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वो किस देश से संबंध रखती हैं? पोलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो ये अमेरिका की हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अमेरिका की है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रेडियो जय घोष का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रेडियो जय घोष का जो शुभारंभ किया है, तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 10 अगस्त, 15 अगस्त, 9 अगस्त, 12 अगस्त। तो विश्व हाथी दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे। तो ये कोलकाता में किया जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, तेज प्रताप यादव या राबड़ी देवी। तो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री में जो चुना गया है, तो ये तेजस्वी यादव को चुना गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 30, 28, 22, 20। तो भारत ने जो यानी कि टोटल स्वर्ण पदक जीते हैं, तो ये 22 हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। तो आपको बता दूं, जो स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम जो शुरू की गई पहल है, तो ये उत्तराखंड में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य जो पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी कि राष्ट्रीय साहित्य जो पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी कि तो किसे किया गया है? ललिता कुमारी, यानी कि डॉक्टर प्रतवारे, गीतांजलि श्री या रमेश जोशी। तो ये डॉक्टर सी नारायण रेड्डी जो राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो डॉक्टर प्रतवारे को दिया गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? चीन, रूस, अमेरिका, इजराइल। तो दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण जो विकसित किया गया है, तो ये इजराइल में किया गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोसर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? मेघालय, सिक्किम, लद्दाख या पंजाब। लोसर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो आपको बता दूं, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा, केरल, असम, पंजाब। तो ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला जो पहला राज्य है, तो ये केरल है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने किसे कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की? यानी कि पुनीत राजकुमार, चिरंजीवी सरजा, अल्लू अर्जुन या एस। तो कर्नाटक रत्न से जो सम्मानित करने की घोषणा की गई है, ये पुनीत राजकुमार, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मशहूर जो सरोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा। तो जो मशहूर सरहुल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया, तो ये झारखंड में मनाया गया, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्वभर में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त या 21 अगस्त। तो विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है
19 अगस्त को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। तो भारत की पहली लिथियम जो रिफाइनरी स्थापित की जाएगी तो ये गुजरात में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में किस देश को पहला स्थान हासिल हुआ है? आयरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट में 2022 में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है ये फिनलैंड को हुआ है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो साथियों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च किया? असम, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात। तो ये असम ने किया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो साथियों आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन से वो कंप्लीट हुए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो साथियों आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, धन्यवाद।